यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को फ्री फायर के अंदर ब्लैक स्किन प्रॉब्लम आ रही है ना। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे भाई को सब कुछ पता है, क्योंकि तुम्हारा भाई अंतर्यामी है ना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। तुम्हारे भाई को ये भी पता है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये लोअर डिवाइस में ज्यादा आ रही है, यानी कि 2GB और 3G वाले फोन में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। और तुम्हारे भाई को ये भी फर्जी लग रहा बाबा। ब्लैक स्किन का प्रॉब्लम आपको गेम के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता होगा। आप गेम खेलते खेलते भी आपका फोन एकदम ब्लैक स्किन हो जाता होगा। जलवा है हमारा। अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो आपका जो ब्लैक स्किन का प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, और ये जो ब्लैक स्किन का प्रॉब्लम है वो आपके फोन में कभी नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस बार इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा ही मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, ये जो प्रॉब्लम है ये आपको लो एंड डिवाइस में देखने के लिए मिल रही है, यानी कि 2GB और 3GB वाले फोन में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सबसे बड़ा मिथ आप लोगों को खत्म कर दूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये गेम प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप लोग बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे भाई ये गरेना का कुछ ग्लिच है, बट लेकिन ये गरेना का कोई ग्लिच नहीं है, ये आपके फ़ोन की गलती है, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर जो हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग है उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका प्रोसेसर है, वो उस गेम को झेल नहीं पा रहा, इसलिए वो आपको ब्लैक स्किन का शो कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, अगर इस वीडियो से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और पता है अभी गर्मी में मैं कितने अकेले कमरे में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मेरे को दम से पसीना आ रहा है, पर लेकिन मैं तब भी आप लोगों के लिए यार वीडियो बना रहा हूँ। भाई ने बोला करने का तो करने का। तुम्हारा जो नंबर वन स्टेप होने वाला है वो होने वाला है फोन के अपडेट्स के लिए। तो गाइस, आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग में जाके अबाउट वाले सेक्शन में जाके आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपका जो फोन है उसके अंदर सारे अपडेट आए हैं कि आपने अपडेट कराए कि नहीं कराए, क्योंकि आपके फोन के अंदर मान लो कोई अपडेट नहीं आया, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सबसे पहले अपने फोन को अपडेट कर लेना है, और जो भी कुछ मेजर अपडेट आए हैं, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपडेट, तो आपको अपना फोन को अपडेट कर लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपडेट नहीं किया हो, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले अपने फोन को अपडेट करो और एक बार चेकआउट करो। तो वैसे हमारे जो नंबर टू स्टेप आता है उसके लिए आपको अपने फ्री फायर को थोड़ा होल्ड करके रखना है, और आपको एफ इन्फो में चले जाना है। एफ इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पे डाटा स्टोरेज यूजर्स दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे अपना क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा करके देखना है। अगर आप लोग इसको करते हो, इससे आपका फ्री फायर का जो कलेक्शन है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, और जो आपके फ्री फायर के अंदर जो भी आपकी ओल्ड कस्टम एचडी सेटिंग्स वगैरह हैं वो सारी डिफॉल्ट हो जाएंगी, यानी कि एक तरीके से फ्री फायर द्वारा इंस्टॉल ही हो जाएगा क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा करने से, क्योंकि काफ़ी लोगों को इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा जरूर करना, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे मतलब कुछ ग्लिचेस आ जाती हैं, इसकी वजह से हो जाता है। तो आपको एक बार क्लियर कैच एंड क्लियर डाटा करके चेकआउट कर लेना है। तो किसी यहाँ पे बात करते हैं नंबर थ्री स्टेप की। जैसा कि मैंने गाइस स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, ये जो प्रॉब्लम है ये 2 से 3G वाले फ़ोन में ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ रेफर करूँगा, मुझे पता है बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो 2 से 3G फ़ोन में तो खेलते हैं, बट लेकिन यहाँ पे उन वो लोग ना फ्री फायर नहीं, फ्री फायर मैक्स खेलते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग फ्री फायर मैक्स को मत खेलो, क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो थोड़ा हाई डिवाइस के लिए बना हुआ है, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि गरेना डे बाई डे अपडेट देता जा रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक ही कहूँगा कि आप लोग फ्री फायर को इंस्टॉल करो, वो भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब ये जो प्रॉब्लम है ये भाई मैंने जैसा कि बताया कि फ्री फायर मैक्स, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो फ्री फायर खेल रहे हैं पर लेकिन उनका तब भी ब्लैक स्किन आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आपने जो फ्री फायर इंस्टॉल किया वो पता नहीं किस वेबसाइट से किया, तो आप लोग एक बार फ्री फायर को डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आप फ्री फायर जो गरेना है, गरेना की ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार फ्री फायर को डाउनलोड करके चेकआउट करो। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना जब कुछ मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया, इससे आपका 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड गाइस, अभी तक मैंने आपको जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक बताई, अगर आपको इनको अप्लाई करने के बाद भी अभी भी आपका ब्लैक स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस ट्रिक बताऊंगा, जिससे 1000 नहीं 10000% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। गाइस नोटिस, अगर आपका एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं करना जो कि मैं आपको वीडियो में अभी बता रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को बार मतलब करोगे तो आपका जो ब्लैक स्किन प्रॉब्लम है वो फिर आपको बार बार परेशान करेगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। गाइस सबसे पहले आपको जो अपने फ्री फायर के अंदर जो कलेक्शन पैक है उसको कम से कम करना है, यानी कि आपको कलेक्शन पैक ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि आपका एक लोअर डिवाइस है तो आपको कलेक्शन पैक डाउनलोड नहीं करना, बस उतना ही डाउनलोड करना जितना आपको जरूरत है, ठीक है। और दूसरा गाइस ये टिप्स एंड ट्रिक है, आपको जो अपना फ़ोन का जो स्टोरेज है वो जितना हो सके कम से कम आपको खाली रखना है, एंड गाइस जो आपका रैम है आपको रैम को भी खाली करना है, तो आपको क्लियर बूस्ट करते रहना है।
गाइस बात करते हैं लास्ट ट्रिक की, जो कि मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस ट्रिक को अपनाने के बाद आपका 1000 नहीं 10000% आपका जो फोन के अंदर जो ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस मेरे साथ एक चीज़ को दोहराना है, हे ऊपर वाले मेरे फ़ोन से जो भी पाप हुए हैं उनको क्षमा करना, मेरा फ़ोन आपकी शरण में आ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब हो गया प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व।